और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला। जिस परिवार में कलह हो उसका पतन, ये राजभर का कहना है। सपा को बनाने में शिवपाल का बड़ा योगदान है। अखिलेश मांगे माफी तो चाचा जरूर देंगे आशीर्वाद, ये बयान सामने आया है ओम प्रकाश राजभर का। तो देखिए, मैनपुरी को लेकर राजनीति तेज है और एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बोल उठे हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस परिवार में कलह होता है उसका पतन हो जाता है, सपा को बनाने में शिवपाल का बड़ा योगदान है और अगर अखिलेश माफी मांग ले तो चाचा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जिस परिवार में कलह हो तो वो परिवार पतन की ओर जाता है, हमारा जो अपना मानना है। अब चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में दूसरे नंबर का योगदान सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इस परिवेश में अखिलेश जी को चाहिए कि उनके चाचा थे, जैसे हम लोगों ने पहल किया तो चुनाव में शिवपाल जी साथ आ ही गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ गए। तो अगर चाचा के सामने भतीजा जाकर के पकड़ ले। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से सपा रालोद गठबंधन से उम्मीदवार मदन भैया ने बड़ी जीत का दावा किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की लोनी सीट से हारने वाले मदन भैया को जयंत चौधरी ने खतौली से मैदान में उतारा है। लेकिन मदन भैया की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद खतौली से टिकट दावेदार अभिषेक चौधरी ने मदन भैया को बाहरी बताया था। हालांकि मदन भैया ने कहा है कि पार्टी का हर नेता मुझे मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएगा। हमारे छोटे भाई अभिषेक ने पार्टी नहीं छोड़ी, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, मजबूती से साथ रहेंगे और वो हमारी बिरादरी के भी हैं। मदन भैया ने बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कई नेताओं की मिसाल देते हुए कहा कि आज कई लोग अपने गृह जिले ही नहीं बल्कि गृह प्रदेश की सीमाओं से बाहर राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे में वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग चला देते हैं बाहरी, बाहरी शब्द का एक चलन हो गया, नहीं बाहरी कहाँ है। मदन भैया ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि खतौली राष्ट्रीय लोकदल की ही परंपरागत सीट रही है और मुद्दों की राजनीति करने वाला ही खतौली में जीत दर्ज करेगा। लखनऊ में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई आलिया हेरिटेज अपार्टमेंट को ढहाने का काम आज से शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम मुंबई से बुलाए गए एक्सपर्ट्स के साथ अलाया अपार्टमेंट पहुंची और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में टीम ने इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। पूरी बिल्डिंग को गिराने की अगर बात करें तो जो एलडीए के अधिकारियों का मानना है, जैसा उन्हें एक्सपर्ट टीम ने बताया कि ऊपर के जो दो फ्लोर है उनमें सबसे ज्यादा समय लगेगा तोड़ने के लिए, उसके बाद की जो कार्रवाई होगी और तेज हो जाएगी और पूरी बिल्डिंग गिराने में लगभग एक महीने का वक्त लग सकता है, ये अनुमान है। इस इमारत में कुल 48 फ्लैट्स हैं जिनमें से 36 फ्लैट्स की रजिस्ट्री तक हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों पर हथौड़ा चलता हुआ देख रहे फ्लैट बायर्स का कहना है कि जब 6 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई और रजिस्ट्री होती रही तब एलडीए को इमारत के निर्माण में गड़बड़ी क्यों नहीं नजर आई। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि ना तो इमारत का नक्शा पास था और ना ही नजूल विभाग से जमीन के लिए एनओसी ली गई थी और तमाम नोटिस और कार्रवाई के बावजूद बिल्डर ने निर्माण कार्य जारी रखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना एलडीए अफसरों की मिलीभगत से नोटिस और सीलिंग के बावजूद इतनी बड़ी इमारत का तैयार हो जाना मुमकिन है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।